शाहिद कपूर हाल ही में अपनी फिल्म जर्सी को लेकर सुर्खियों में थे। हालांकि उनकी इस फिल्म पर कोरोना की नजर लग गई और फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। अभी इसकी चर्चा चल ही रही थी कि शाहिद ने अनोखे तरीके से अपनी अगली फिल्म की झलक भी दिखा दी है। अगर डायरेक्टर शाहिद को फटकार न लगाते तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये उनकी अगली फिल्म का लुक है। दरअसल शाहिद ने अपनी अगली फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह एक शर्ट और ब्लैक वेस्ट जैकेट में दिख रहे हैं और बगल में उनके अली अब्बास दिख रही है। शाहिद ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे अली जफर, ढेर सारा प्यार भाई, सेट पर जल्द से जल्द आने का इंतजार नहीं कर सकता। इसके जवाब में अब अली अब्बास ने खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, थैंक यू शाहिद कपूर, लुक आउट कर दिया, वेल डन शाहिद। और अली के इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं था, लेकिन अली अब्बास ने जो आखिर में कहा, क्या उसी को फिल्म का नाम मान लिया जाए, वेल डन। शाहिद कपूर के बाकी वर्क फ्रेंड्स की बात करें तो वह डिजिटल डेब्यू भी करने वाले हैं। हालांकि उनकी वेब फिल्म का नाम अभी तय नहीं है, कभी इस सनी तो कभी फर्जी बताया जा रहा है। इसके अलावा शाहिद राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कर्ण में भी नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है और ये फिल्म साल 2023 में दर्शकों के सामने आएंगी।